तो क्या होता है हमारे साथ, हम लोग लाइफ में व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, व्हेन वी सी अराउंड थिंग्स, सो व्हाट ही वाज लर्न्ड विद ही स्टार्ट्स अनलर्निंग दैट, राइट? वो कुछ देखता नहीं है, कुछ रिएक्ट नहीं करता है, कुछ बोलता नहीं है, एंड देन ग्रेजुअली लोग उसको रिलेशंस, रिश्तेदार, माँ बाप, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दे स्टार्टेड शोइंग अटैचमेंट्स टू देम, राइट? कोई बुलाता है, कोई निक नेम्स रखता है, कोई यू नो लवली नेम से बुलाता है, कोई स्माइल करता है, कोई गिफ्ट करता है, कोई हग करता है, कोई किस करता है, आहिस्ता 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 उसकी अटैचमेंट बढ़ना शुरू होती है, राइट? एक टाइम तक वो अटैच नहीं होता तो वो अपनी मौज में होता है, द मिनट वो अटैचमेंट में जाना शुरू करता है, वो मैं बुक का नाम डाल देता हूँ, ठीक है, जिस तरह वो अटैचमेंट में जाना शुरू होता है वो हुकअप होना शुरू हो जाता है, और आपको समझ आएगा द मिनट उसकी अटैचमेंट शुरू होती है पेरेंट्स से, मोस्टली मदर से, फादर से, ग्रैंड पेरेंट्स से, जब वो उसको नहीं मिलते ही स्टार्ट्स क्राइंग, यस और नो, राइट? तो जब तक अटैचमेंट नहीं थी क्राइंग भी लाइफ में कम थी, द मिनट अटैचमेंट बढ़ी, जिसका एक दूसरा नाम लव, अफेक्शन, केयर भी है, क्राइंगनेस भी बढ़ गई, राइट? सो एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड, जहां पे हमारा जो है वो अटैचमेंट बढ़ता है वहां हमारी लाइफ की क्रैंकिनेस भी बढ़ जाती है, वहां हमारे लाइफ की डिसहार्टमेंट भी बढ़ जाती है, और अगर जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया उससे तो हमें कोई दुनिया में फर्क ही नहीं पड़ता ना, बिकॉज दैट पर्सन इज अ स्ट्रेंजर टू अस, राइट? तो उसके लिए हमें अपने आप को दिखाने का, अपने आप को ब्रांडेड रखने का, अपने आप को हैप्पी को लगने रखने का कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वे हु डू वी वॉन्ट टू वर्क फॉर? वी वॉन्ट टू वर्क फॉर आर रिलेटिव, वी वॉन्ट टू वर्क फॉर आर किड्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्पाउस, नेबर्स, हमारे खानदान वाले, एक्सटेंडेड फैमिली, जिनको ये भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बट हमारे बैक ऑफ माइंड होता है यार, ओ मैं अच्छा दिखना चाहिए, जब भी मैं जाऊं मेरी इज्जत होनी चाहिए, दे शुड से वाह वाह अबाउट मी, यस और नो, राइट? सो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैचमेंट ही है ना। अगर अटैचमेंट ना हो, आप बोलो नहीं यार आई एम वेरी केयर फ्री, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, आप मुंह से बोल रहे हो ये बात, क्यों? उसका छोटा सा टेस्ट ये है कि अगर आपको किसी से फर्क नहीं पड़ता तो आप कोई बड़े दिन एक नॉर्मल से कपड़े पहन के चले जाओ, एंड आप देखो कि आपके अंदर गट्स है वो करने के नहीं है, राइट? आप अपनी ब्रांडेड कार्स, ब्रांडेड वॉचेस, बड़ी बड़ी चीजें कैरी ना करो, देखो आपको आपका गट या आपका ईगो कैसे रोकता है। अगर आपका ईगो आपको रोक रहा है, नहीं लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, एक्स वाई जी ए बी सी, देन आप खाली मुंह से फायरिंग कर रहे हो, यू नो दैट वे मुझे लोगों का फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट पीपल, बट आपको फर्क पड़ता है बिकॉज योर एक्शन डज नॉट कोइंसाइड विद व्हाट यू आर सेइंग। सो बॉस, जब वो चीज, जब वो रिलेशन, जब वो रिलेटिव हमारे पास नहीं होता ह्यूमनिस्टिक वे में या फिजिकल वे में, या दुनिया से चला जाता है, हमारे लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, येस और नो, डू यू अग्री विद दैट पॉइंट, राइट? तो इसलिए हमने ये बुक उठाई, और सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में दीपक चोपड़ा भी हैप्पीनेस का एक लॉ ये देता है कि आपको खुश रहना सीखना है ना, तो आप अपनी डिटैचमेंट्स बढ़ा दो। नेचर नाउ, अटैचमेंट का मतलब क्या है? अगर हम कहते हैं कि हमारी अटैचमेंट है, किन चीजों से अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट हमने बनाई है, नेचर ने बनाई है, और हमारा कितना कंट्रोल है उस अटैचमेंट के ऊपर, स्पेशली बीइंग इन द बिजी लाइफ, स्पेशली ऑन द वेस्ट साइड, हम बहुत सारे लोगों से अटैच होते हैं जो हमें शायद टाइम नहीं दे पाते बिकॉज द कॉर्पोरेट लाइफ डज नॉट अलाउ देम, राइट? द इन्फ्लेशन डज नॉट अलाउ देम, लोग दो दो तीन तीन जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, सीनियर्स आर स्टार्टिंग गेटिंग बैक टू द वर्क, राइट? इकोनॉमिक रिपोर्ट्स यही कह रही है, राइट? तो बहुत दफा लोग चाहते हुए भी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं, राइट? और होता क्या है, जो लोग रिटायरीज हैं, जो लोग स्टे अवे या वर्किंग मॉम्स हैं, वो फील करना शुरू करते हैं कि यार अटैचमेंट कम हो गई है और भारी पड़ रहा है, मुश्किल पड़ रहा है, राइट? अपने लोग जब टाइम नहीं दे रहे हैं, एंड दे स्टार्टेड कंपेयरिंग के यार हम ज्यादा टाइम दिया करते थे वर्सेस जब इनका टाइम आया, नाउ दे डोंट गिव अस द टाइम, राइट? वी आर वेटिंग फॉर देम। फर्स्ट पॉइंट वो कहता है कंडीशनिंग द माइंड, जिसमें वो कहते हैं दैट आर थॉट एंड बिहेवियर्स आर कंडीशन बाय सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस, दिस कंडीशनिंग लिमिट्स आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर सेल्फ। वो कहता है एक कंडीशनिंग हमारा माइंड रखता है, राइट? ये कंडीशनिंग हो सकती है कि यार व्हेन यू गेट इनटू ट्रबल और व्हेन यू फील दैट समबडी हैज नॉट डन राइट विद यू, चाहे वो आपके बच्चे हैं, स्पाउस है, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपने उनके साथ बहुत अच्छा किया, उन्होंने आपको उस तरह से फीडबैक नहीं किया,
आप उस वक्त अमूमन किस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं? आप फौरन से एंटागोनिस्ट हो जाते हैं कि नहीं यार लोग तो ऐसे ही होते हैं, एंड आई हैव ऑलवेज डन गुड, एंड मुझे सामने से हमेशा रिजेक्शन ही मिला है या रिग्रेट ही मिला है, या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी आप बोलते हो नहीं यार वेट अ मिनट, हो सकता है दैट पर्सन माइट बी इन सम डिफिकल्टी, वो कोई अलग स्टेट ऑफ माइंड में हो, या आप उसको ब्लेम देना शुरू कर देते हो, ये तो है ही ऐसा, इसकी फैमिली ही ऐसी है, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, दो दफा भी ऐसा हुआ था, और एट द एंड होता कुछ नहीं है, द पर्सन हु इज कर्सिंग वो और ज्यादा नेगेटिव, और ज्यादा डिस्परेट, और ज्यादा जेलस होना शुरू हो गया, तो नेक्स्ट टाइम शायद आप उसको देखेंगे तो बुलाएंगे भी नहीं, और वो बंदे को पता भी नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर इतना हेटरेड हो गया, बिकॉज ये सेल्फ टॉक होता है। तो कभी कभार हमारा सेल्फ टॉक इतना नेगेटिव हो जाता है कि सामने वाले आदमी को पता नहीं होता, हम वो भी सोच लेते हैं, बट कभी कभार हमारा सेल्फ टॉक इतना पॉजिटिव होता है कि वाकई सामने वाले ने बुरा किया होता है, बट हम फिर भी उसको बोले होते नहीं यार कोई ना कोई मसला होगा बेचारे के साथ, वरना वो ऐसा नहीं करता। आपको ये देखना है एट एनी पॉइंट इन टाइम कि कोई भी सिचुएशन में आपकी सेल्फ टॉक क्या है, आपकी सेल्फ टॉक बहुत नेगेटिव है, किसको नुकसान देगी? मुझे खुद को देगी, दूसरे आदमी को तो पता भी नहीं है कि गेम चल क्या रहा है, यस और नो? अगर मेरी सेल्फ टॉक नेगेटिव है क्या मैं खुश रह पाऊंगा? आई कैन नेवर बी हैप्पी, मैं हर आदमी में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकालूंगा, मैं हर आदमी में कोई ना कोई शॉर्टकमिंग देखूंगा, और मैं एट द एंड इस नतीजे पे पहुंचूंगा कि दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा आदमी नहीं है, और मैं एट द एंड क्या हो जाऊंगा? अकेले हो जाऊंगा, और अकेला आदमी कभी खुश रह सकता है? दुनिया में सभी अकेले होते हैं, बट एक आपकी फीलिंग होती है कि यार मुझे जरूरत पड़ी तो 100 लोग मेरे साथ खड़े हुए, लेकिन आप बोलते हैं मुझे जरूरत पड़ी तो एक भी बंदा नहीं खड़ा हुआ, राइट? ये फीलिंग है, इंसान हर एक ही अकेला है आज की तारीख में, सब व्हाट्सएप जूम और वर्चुअल भी अवेलेबल है, यस और नो? लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है बैक ऑफ माइंड के नहीं यार 100 लोग खड़े या 100 लोग ही बेकार है, दुनिया ही बेकार है, राइट? ये बहुत अच्छी बात ये कहता है ऑथर, ये सेल्फ टॉक से आता है, तो आपको ये चेक करते रहना पड़ेगा कि जो बात आप अपने आप से कर रहे हो दूसरों के बारे में वो कितनी पॉजिटिव है, और अगर वो नेगेटिव है तो यू हैव टू चेंज इट फॉर योर ओन सेक ऑफ हैप्पीनेस। सो द सेकंड पॉइंट दैट वी वांटेड टू डिस्कस इज इल्यूजन ऑफ द सेल्फ, ये इसी से कनेक्टेड है फर्स्ट पॉइंट से। एक इल्यूजन हमारा होता है अपने खुद की नजर में, कभी कभार हम अपने आप को इतना अच्छा इतना पॉजिटिव समझते हैं, ऑथर बोलता है कि हमें फिर दूसरों की गलती हर चीज में नजर आना शुरू हो जाती है, लेकिन कभी कभार हम अपने आप को इतना नेगेटिव समझते हैं कि हमें दूसरे पॉजिटिव लगना शुरू हो जाते हैं। वो ये कहता है कभी कभार ये पोजीशन बहुत पॉजिटिव है, जब आप अपने आप को गलत समझते हैं ना, जब अपने आप को आप सिंफुल समझते हैं, खुदा भी क्या कहता है मजहब में, यू नो एस रिपेंटेंस फॉर योर सिन, उसको कोई फर्क पड़ता है? इतनी बड़ी जात है वो, हमारे सिंस की माफी मांगने से कोई नहीं पड़ता, राइट? एंजल्स आर देयर टू प्रे डे एंड नाइट। हमारे रिपेंट होने से, सिंफुल होने से, अपनी गलती मानने से क्या होता है, हम हम्बल हो जाते हैं और दुनिया हमें रिस्पेक्ट देना शुरू कर देती है, यार ये आदमी तो हमेशा अपनी गलती मानता है, जैसे यू नो योर पेरेंट्स योर किड्स सेड यू नो मदर इतना पॉजिटिव भी ना हो, राइट, कि दुनिया खा जाए, राइट? दे कुड हैव सेड मम्मी इतना नेगेटिव भी ना हो कि सभी बुरे लगना, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिनको बच्चे ये बोलते हैं, राइट? आई डोंट वॉन्ट टू नेम एनी बडी बट दे कम टू अस एंड से यार बच्चे समझते नहीं है, वो हमेशा नेगेटिव। तो दिस इज योर ओरिएंटेशन, आज के जमाने में बच्चे पॉजिटिव हो ये भी बोलते हैं और नेगेटिव हो ये भी बोलते हैं, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन हु यू आर, आपका इमेज कैसा है, एंड योर इमेज कम्स फ्रॉम द एक्शन यू डू। तो हमें ये समझ आया कि अपने आप को सही समझ के और दूसरों को गलत समझ के नुकसान किसका है, हमारा ही है, तो बेहतर शायद यही है कि दूसरों को सही समझना शुरू कर दो, एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो खुश तो रहेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट वॉज दूसरों का इमेज अच्छा रखो, सेकेंड पॉइंट वॉज कभी कभार अपना इमेज खराब रख लो अपनी नजर में, उससे आपको आपकी गलती जल्दी नजर आ जाएगी और सामने वाले की अच्छाई ज्यादा नजर आ जाएगी। और जैसे आपने कहा कि समटाइम्स आई वॉक बट आई डोंट सी पीपल, मैं ग्रीट नहीं करती, तो आपकी गलती नहीं थी, बट अगर कोई नेगेटिव पर्सन आपको बोले यार नूरजान डिड नॉट ग्रीटेड मी और आपसे दुश्मनी कर ले, तो इसमें तो आपको पता भी नहीं था, यस और नो? ऐसा हमारे साथ कभी कितनी दफा होता होगा कि किसी ने ग्रीट नहीं किया बट उसको बेचारे को पता ही नहीं था, उसने देखा ही नहीं, या वो कुछ और ही स्ट्रेस में था, या सो थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग फियर इन लाइफ। एक फियर ये है जो उन्होंने बोला, जो कि आई थिंक सबसे वैलिड फियर है, कि ऊपर वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, एम आई डूइंग द जॉब करेक्टली और नॉट, मैं किसी का हक तो नहीं खा रहा, मैं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहा,
मैं इम्प्लॉय हूँ तो अपने इम्प्लॉय के इसको मैं बहुत ज्यादा हार्ड टाइम तो नहीं दे रहा, मैं अपनी फैमिली स्पाउस को बच्चों को हार्ड टाइम तो नहीं दे रहा, या मैं बच्चे हूँ मैं अपने पेरेंट्स को तो हार्ड टाइम नहीं दे रहा, राइट। सो सोचते रहना कि यार ऊपर वाला तो पकड़ लेगा, राइट। वट एवर पावरफुल स्टेट आई एम, हो सकता है आज आई एम द रिच डैड, यू नो किड्स रिलाय ऑन मी, या हो सकता है आज आई एम द पुअर डैड, किड्स डोंट केयर अबाउट मी, जो भी पोजिशन है। एट द एंड ऑफ डे इफ यू फियर गॉड, तो आपकी आधी से ज्यादा चीजें सही होना शुरू हो जाए। ऑथर ये कहता है अपनी बुक में, एंड हिज बुक इज बेस्ड ऑन 3500+ लाइफ केस स्टडीज, वो लिखता है कि मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैंने इतने लोगों पे साइकोलॉजिकली रिसर्च किया, ज्यादातर लोग डिप्रेशन में होते थे या रिकवरी में होते थे। वो ये कहता है कि ज्यादातर लोगों को फियर जिंदगी में होता है अननोन चीजें करने से। अब अननोन चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, लेट्स थिंक अबाउट दैट फॉर अ मिनट। अननोन चीज का मतलब है किसी अननोन आदमी से दोस्ती करनी पड़ जाए, किसी अननोन के साथ अपना थॉट शेयर करना पड़ जाए। आप कुछ सोच रहे हो, इन द मोटिवेशन क्लास वी ऑलवेज थिंक अबाउट पैशंस एट द एज ऑफ 50 60, गेटिंग इन टू अनदर हॉबी, गेटिंग इन टू सेकेंड करियर, अपने आप को बिजी रखना, राइट, डिप्रेशन से। अब आपकी जो भी विश लिस्ट है, आपको पता है कि मुझे ये चीज का शौक है, बट आपको लगता है यार एट द एज ऑफ 60 में ये सोचूंगा भी ना या सोचूंगी भी तो दुनिया तो मार डालेगी, यू नो पीपल वुड लाफ एट मी, किड्स वुड लाफ एट मी, बोलेंगे और ये कैसा सोच रहा है, राइट। जैसे लेट्स से यू लव टू सिंग एंड यू आर 65 एंड यू नो आपको डर लगता है ना, बच्चों कैसे बोलूं मुझे तो गाना गाने का शौक है, मुझे तो गिटार सीखने का शौक था, यू नो मुझे तो पेंटिंग करने का शौक है, मुझे तो कयाकिंग का शौक है, लोग तो हंसेंगे, पीपल डोंट केयर टू बी ऑनेस्ट। आपका डर आपको करने नहीं देगा। सो क्या हुआ, फियर ऑफ अननोन। तो वो ये कहता है कि आधे से ज्यादा जो डिटैचमेंट होता है ना, जो चीजें आप कर नहीं सकते, या हैप्पीनेस, वो फियर आ क्यों रहा है, बिकॉज आपको ऐसा लगता है दूसरे हंसेंगे, तो आपने दूसरों की अटैचमेंट इतनी रखी है ना, जब आप दूसरों को डिटैच कर दोगे, आई डोंट केयर अबाउट पीपल एनी मोर, खलास गेम ओवर, राइट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू आई डू, मुझे परवाह ही नहीं है लोग सोचेंगे अच्छा या बुरा। फोर्थ पॉइंट, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द अथॉरिटी। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम द अथॉरिटी का फोर्थ पॉइंट है, विच मीन्स द रीडर शुड फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सटर्नल अथॉरिटीज। दिस एक्सटर्नल अथॉरिटीज कुड बी रिलीजियस, कुड बी पॉलिटिकल, कुड बी कल्चरल इन्फ्लुएंस, एंड दिस कुड बी समवन हु इज वेरी अथॉरिटेरियन इन द फैमिली, स्पाउस, बिजनेस, मनी वाइज, जो आपको आपकी चीजें करने से रोक सकता है, या कभी कभार रोकता नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है। यहाँ पे आइंस्टाइन की बात ये आ गई, बिकॉज आइंस्टाइन इन हिज बायोग्राफी सेड कि आइंस्टाइन तुम इतने होशियार कैसे हो गए, 9700 पेटेंट्स हैं तुम्हारे, मतलब एक दो तीन दफा भी नहीं, 9000 दफा तुमने यूनिक चीजें क्रिएट की दुनिया में, इतने जीनियस कैसे। तो आइंस्टाइन बोलता है आई वॉज नेवर अ जीनियस, आई वॉज एन एवरेज फेलियर स्टूडेंट, भला हो उस टीचर का जिसने मुझे कह दिया, मुझे नहीं पता वो सीरियस थी कि नहीं, बट मैं बहुत सीरियस था। उसने बोला कि आइंस्टाइन तुम बहुत आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे, मेरी बात याद रखना, कि लोग तुम पे फख्र करेंगे कि तुम कैसे आदमी हो। आइंस्टाइन एक फेलियर आदमी, लेकिन किसी और का भरोसा उसके ऊपर आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बना गया और वो दुनिया हिला गया। वैसे ही अगर किसी और का फियर हमारे ऊपर होता है, यार तुम कैसे करोगे, तुम कैसे पढ़ाओगे, बहुत टाइम नहीं हो गया, गलती नहीं, तो उस तरह फियर डुबा भी देता है, राइट। उस वक्त टग ऑफ वॉर होती है कि उसका फियर बड़ा है कि आपका फियर बड़ा है, और अक्सर दफा हम दूसरे के सजेशन को अपना सजेशन बना लेते हैं। यही प्रिंसिपल मार्केटिंग पर आता है। I was talking to somebody, a very strong marketing head of a company, 1200 people work for him, और मेरी से sales के बारे में बात हो रही थी। मैंने कहा किस तरह तुम्हारे team के sales goal इतने high है, तो उसने मुझे एक बहुत bluntly जवाब दिया। उसने बोला I teach my students, या VP vice president नीचे वो बताता है, रोज training देता है, एक line रोज बोलता है, customer knows nothing what he wants, उसको कुछ भी नहीं पता उसको क्या चाहिए, तुम्हारा confidence उसको बताएगा कि उसको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो समझ क्या आया, आइंस्टाइन को नहीं पता था, बट उसकी टीचर को लगा कि वो कुछ करेगा, उसने बिठा लिया, और वो रोज उसको मेच्योर करते गया, उस प्लांट को पानी देते गया, वो प्लांट इतना मजबूत दरख्त हो गया कि उसके सामने फेलियर भी आएगा तो उस प्लांट ने उसको उठा के फेंक दिया। अब हमारा इंटरनल कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग है कि लोग हमें बोले कर नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे, पहले भी तो फेल हो गए थे, फैमिली भी तो फेल हुई थी, तुमने इतना बड़ा काम पहले किया है, पहले बिजनेस किया है, जॉब ही करते रहे हो, यू नो
तो तुम्हारा अंदर भी कमजोर है ना, तो तुम उसकी बात मान लोगे, बट तुमने उसको नर्चर किया, नहीं आई एम अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, मैं हारूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, यू नो मैं हार जाऊंगा, आई विल स्टैंड अप अगेन. मेरा एक बहुत अच्छी फोटो आई थी जिसमें शो किया था दुबई के शेख को, और दिखाया था एक इमेज जिसमें दुबई का शेख खड़ा है, पीछे पूरा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और दूसरे फोटो में दिखाया था वही शेख के दुबई है, दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल अपराइजिंग बिल्डिंग्स राइट इन द वर्ल्ड. और उसमें नीचे लिखा था व्हेन योर वाई इज स्ट्रांग योर हाउ बिकम्स इजियर. तो क्या मतलब हुआ कि जब आपको पता है कि आपको क्यों करना है, राइट, इन अ फाइट ऑफ रैबिट एंड अ डॉग, रैबिट जो था वो छोटी छोटी टांगों से भाग रहा था, और डॉग जो था वो डबल द साइज टांगों से जंप मार रहा था. दोनों तेज जानवर है, रैबिट भाग रहा था जान बचाने के लिए, डॉग पकड़ रहा था फूड की सिक्योरिटी के लिए, खाना मिल जाएगा मुझे आज, बहुत अच्छा लजीज. तो भागते रहा रैबिट इधर उधर उधर, डॉग भी इधर उधर उधर, दोनों चेस किए. 1.5-2 घंटे बाद डॉग थक गया, बैठ गया, रैबिट ऊपर चढ़ गया, और फिर भी देख रहा है कि वो भागेगा, तो डॉग बोलते है बस भाई मेरे बस की बात नहीं है, बट मुझे बता, यू हैव द फीट हाफ लेस देन हाफ द साइज ऑफ माई फीट, तू इतना तेज इतने स्टेमिना से कैसे भागता है? उसने बोला माई वाई इज बिगर देन योर वाई, मैं जान के लिए भाग रहा था, तू खाने के लिए भाग रहा था. तो हम सबका यही पॉइंट है कि अगर हमें कोई काम रोकता है तो हमें ये सोचना है कि वो हमें काम करना क्यों था. अगर वाय बड़ा है हमारा तो फिर आपके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेंथ आ जाएगी, फिर बाहर वाले आपको नहीं रोक सकेंगे, लेकिन अगर आपका वाय छोटा है तो कोई भी आके आपको हिला के चले जाएगा, और आप दरख्त की तरह हिलते रहोगे, राइट, लेफ्ट में विंड आएगी लेफ्ट में हो जाओगे, राइट में आएगी राइट. तो समझ आया कि अपने आप को डिटैच कब करना है और अटैच कब करना है. अटैच तब करना है जब हमें लोगों की मदद करनी है, और जब हमें अपनी मदद करनी है तो हमें डिटैच कर देना. एंड ऑथर इसको कह रहा है कि आपको लाइफ में जब भी ये प्रॉब्लम आए ना, कि आपकी पुरानी मेमोरीज फ्लैशबैक आपके सामने आ जाए, और हम ना कभी हम लाइफ में हारे होते हैं, कभी ना कभी हम लाइफ में फेल हुए होते. डू यू ऑल अग्री विद दैट पॉइंट? रेज योर हैंड्स. कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो लाइफ में फेल नहीं होगा, कोई है ऐसा आदमी? ओके, सो फ्लैशबैक में नेगेटिविटी होगी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई नेगेटिव इमेज इंसिडेंट हमें याद नहीं आएगा, तो लोग ऐसे होंगे जो आके याद दिला देंगे, पता है उस वक्त भी किया था, हार गया था, वापस क्यों कर रहा है, राइट? तो आपने बड़ी मुश्किल से 4-5 ईंटें इकट्ठा की, कोई लात मार के चले गया, आपने बोला, फिर आपको बोले नहीं नहीं करना, शाबाश, हार नहीं मानना, कोई बात नहीं, मैंने 4-5 ईंटें की तो गिराई और क्या, राइट? हाँ बोला साला बड़ी मुश्किल से तो मैं शुरू हुआ था, खत्म कर डाला सब कुछ, राइट? तो पीपल आर लाइक दैट, राइट? एक्शंस कुछ होंगे, बोलेंगे कुछ, टारगेट कहीं करेंगे, मारेंगे किसी को, राइट? तो इस वक्त आपकी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप विद योर सेल्फ बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि लोग तो आके आपको हिलाएंगे, राइट? आपको डिसाइड करना है कि आप कैक्टस ट्री हो या एप्पल ट्री हो. एप्पल ट्री क्या होगा? फॉरन से एप्पल गिरा देगा. कैक्टस ट्री क्या होगा? सामने वाले को कांटा मारेगा, वो भाग जाएगा, राइट? तो आपको उस वक्त कैक्टस ट्री बनना पड़ेगा, कि लोग हाथ लगाते हुए थोड़ा सा डरे, ज्यादा हिलाया ना तो अपना ही जो है ना मसला हो जाएगा, राइट? अनुराग लास्ट टाइम भी तो किया था, फेल हो गया, एक इमेज वो है जो पीछे का दिख रहा है, क्योंकि फेल हुए हो, वो होगा. आगे के इमेज में समझ नहीं आ रहा कि चलूं कैसे, थोड़ा बहुत ही पता है. तो हमेशा ये याद रखना कि गाड़ी आगे चलेगी ना तो मिरर तो सामने वाला ही देखना पड़ेगा, पीछे का देखोगे तो गाड़ी रुक जाएगी. वो ये कहता है कि इस बात पे ट्रस्ट रखना कि आज सिर्फ 10 किलोमीटर दिखेगा, लेकिन आगे 10 किलोमीटर जाने के बाद और 10 किलोमीटर आगे दिखेगा, और आगे जाने के बाद और दिखेगा, इस तरह मेरे 100 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे. लेकिन पहले से ही 100 किलोमीटर देखोगे, ह्यूस्टन में बैठे हुए बोलो सैन एंटोनियो को एंड नजर आ जाए तो कभी ह्यूस्टन की ड्राइव स्टार्ट ही नहीं होगी. डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? राइट? तो उसने बोला लाइफ में यही होता है, जब हम एंड देखना चाहते हैं ना, और हम बोलते हैं स्टार्ट तो मैं तभी करूंगा जब पूरा समझ आ जाए, तो कभी स्टार्ट होगा ही नहीं, राइट? यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल. और इसी को तो फेथ बोलते हैं ना. फेथ किस पे होता है इंसान का? अपने ऊपर होता है या ऊपर वाले पर होता है? जिस पे भी होता है, होता तो फेथ ही है ना. तो अगर सब पता होता तो फेथ एग्जिस्ट करता नहीं. फेथ का मतलब क्या? आई डोंट नो बट आई ट्रस्ट. डॉलर बिल पे क्या लिखा होता है? इन गॉड वी ट्रस्ट, राइट? तो सबसे बड़ा नोट के ऊपर, जो नोट बनाने के लिए दुनिया घूम रही है, उसी के ऊपर, बिल के ऊपर लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, तो खत्म होगी ना बात. इसका मतलब है मुझे तो पता ही नहीं है एट एनी पॉइंट मेरी
नॉलेज खत्म हो रही है, बट आई ट्रस्ट कि आगे नॉलेज जिसने यहाँ तक दी है वो आगे भी देगा, जिसने यहाँ तक रास्ते खोले हैं वो आगे भी रास्ते खोलेगा, जिसने यहाँ तक मदद की है वो आगे भी मदद करेगा, तो गाड़ी चलती चली जाती है। लिव इन द प्रेजेंट, फ्रंट मिरर देखना है और फेथ रखना है, ठीक है। हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे थे लास्ट टाइम, एंड देर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग कि फेथ के बगैर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आ सकती, राइट। एंड वी डिस्कस कि यार फेथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या ताल्लुक बनता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब तो है कि यू नो यू नीड टू हैव ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड कार्स, एक्सेलेंट फूड, यू नो एक्सेलेंट अटायर, एक इम्प्रेसिव लाइफ। तो हमको समझ आया कि इस से किसी भी चीज का मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब है योर बॉडी इज हेल्दी, यू कैन ईट द फूड यू वॉन्ट, यू हैव फैमिली फ्रेंड्स अराउंड यू, आप में इतनी हिम्मत है कि आप जो सोचते हो लोगों को बता सकते हो, आपके सुनने के लिए लोग हैं, आप किसी की मदद कर सकते हो, ये सब क्वालिटी ऑफ लाइफ है। हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक अलग ही इमेज बना लिया है ब्रांडेड और एक्सपेंसिव आइटम्स की तरफ, राइट। तो वो ये कहता है कि दोनों में बहुत फर्क है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिलर इज फेथ, ठीक है। फेथ मतलब भरोसा रखना कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो गलत भी हो जाएगा तो भी सही हो जाएगा, और सही हुआ तो सही चलता रहेगा। एंड लास्ट चीज वो ये कहता है आर्ट ऑफ लिसनिंग, यू नो पुट एनी टॉपिक यू विल फाइंड अ वीडियो फॉर इट, 5 वीडियोस देखो उस टॉपिक में 10 मिनट में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो आज के जमाने में सुनने की ताकत और क्या सुनना है उसको राइटली टाइप करने की ताकत दोनों होनी चाहिए। अब सोचने की बात है कि 13 पे इंसान क्यों लर्न करता है, शायद करियर का प्रेशर है, पैसे बनाना है, राइट। 30th पे क्यों लर्न करता है, सीनियर बनना है, मैनेजमेंट डायरेक्टर बनना है, बिजनेस शुरू करना है। 50 पे क्यों लर्निंग करता है, शायद बिजनेस को और आगे बढ़ाना है या जॉब से निकल के और बड़ा काम करना है, टाइकून बनना है, रियल स्टेट, ब्ला ब्ला ब्ला। 80 पे क्यों लर्न करता है, 80 पे तो आदमी बोलता है ब्लैंकेट उड़ के सो जाओ, यू नो आई एम रिटायर्ड, कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सीख लिया। तो इन द कोविड डेज या इन दोज डेज हम लोग ये सब आप लोगों के साथ देख चुके हैं कि व्हेनेवर लर्निंग वाज आउट, हमें अल्जाइमर एसोसिएशन का पूरा बुक पढ़ा था, जब भी लर्निंग खत्म हुई बीमारी ने पकड़ लिया। और जब आपके पास चार बोलने की चीजें होंगी ना तो आप चार लोगों से बात कर सकोगे, जब अच्छे से बात करोगे पीपल वुड लव टू लिसन टू यू, और हर आदमी चाहता है मुझे लोग सुने, आई एम द टॉक ऑफ द टाउन, चार दोस्त हो, यस और नो? आप सब इस क्लास में क्यों आते हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी हैप्पी और यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, यू वॉन्ट पीपल अराउंड यू, राइट। तो कुछ नहीं तो नॉलेज उसी में मदद कर देगी। समरी से रिजल्ट यह है कि स्पेशली जैसे आदमी सीनियर होता है एज के साथ, सीनियोरिटी के साथ, पैसे के साथ, वो अरोगेंट होता जाता है, वो अकेला होता जाता है। वो अकेला क्यों होता जाता है, बिकॉज वो चेंज नहीं होता, वो अपने आप को ज्यादा सही और दूसरों को ज्यादा गलत समझना शुरू कर देता है। और इस बुक में यही बताया है कि गो अगेंस्ट योर सेल्फ, अपने आप को जब गलत समझोगे तो दुनिया सही लगेगी, जब दुनिया सही लगेगी तो आप में ह्यूमिलिटी पैदा होगी, जब आप में ह्यूमिलिटी पैदा होगी तो लोग आपको पसंद करेंगे। कोई इंसान अरोगेंट आदमी के साथ रहना चाहता है, कोई भी नहीं रहना चाहता, राइट। हम कैसे चाहते हैं, हाउ डू वी वॉन्ट आर आइडियल फ्रेंड्स टू बी, हम्बल हो, ओपन हो, हमें सुने, हमारी हेल्प करे, सेल्फलेस हो, सिर्फ अपना ही ना सोचे, हमारा भी, यस। तो हमारे साथ भी तो लोग ऐसा ही होंगे तो हमारे दोस्त बनेंगे ना, हमारे यू नो रिलेशंस बढ़ेंगे, हमारे बिजनेसेस बढ़ेंगे, यू नो। सो बी द आइडियल पर्सन यू वॉन्ट अदर्स टू बी, और उसके लिए हमें अपने आप को कभी कभार गलत और दूसरों को सही समझना पड़ेगा, और अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा अपने ईगो से, और कभी कभार लोगों से जो हमें रोकते हैं वो करने से जो हम करना चाहते हैं। विद दिस वी एंड टुडेज टॉक, थैंक यू वेरी मच फॉर बींग देयर, एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।